हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे जीके जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे जो कि आरआरबी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूंगा आपको, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं, अगर पूरी इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, वहां पर क्लिक कीजिएगा। वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इजीली और बहुत सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी जो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का। देखिए, पहला क्वेश्चन है, फॉलिक एसिड की कमी से होता है, बताना है फॉलिक एसिड की कमी से क्या होता है, एनीमिया, मानसिक विकार, स्कर्वी या रतौंधी। ठीक है, ऑप्शन चार रहेंगे आपके पास। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही स्पीड से हम करेंगे। ऑलरेडी मैं इस प्रकार की जो अलग अलग वीडियोस थी, मैंने अलग अलग वीडियोस से क्वेश्चंस लिए हैं। जिसने अभी मेरे जो प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो उनको इस वीडियोस के आंसर जरूर पता होंगे। ठीक है, तो देखते हैं, पहला इसका आंसर है एनीमिया, फॉलिक एसिड की कमी से होता है एनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट है, एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित तारों का समूह को क्या कहते हैं, आकाशगंगा, नक्षत्र, एंड्रोमेडा या सौर प्रणाली। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको करना बस इतना है, इसमें इतने भी क्वेश्चंस हैं उसके आप आंसर बताइए। ठीक है, लिख लीजिए या फिर आपको आते हैं तो क्वेश्चन टिक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने आपके सही हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है नक्षत्र। क्या है आंसर, नक्षत्र। एक निश्चित पैटर्न में कोई व्यवस्थित तारे होते हैं तो हम उसे कहते हैं नक्षत्र। ठीक है, नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने पहले पता लगाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने पता लगाया, न्यूटन ने, केपलर ने, कॉपरनिकस ने या आइंस्टीन ने। ठीक है, कॉपरनिकस ने या केपलर या न्यूटन या आइंस्टीन ने, तो ये लिखाया था कॉपरनिकस ने। ठीक है, कॉपरनिकस जो आता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड और हैजा का उदाहरण है, बताना है टाइफाइड और हैजा का उदाहरण क्या है, संक्रमण रोग होना, हवाई रोग, जल जनित रोग या उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इसका आंसर होने वाला है जल जनित रोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे जो सागर में सतह को लाल रंग करता है, देखिए ऐसा पौधा जो सागर की सतह को लाल रंग देता है उसका नाम बताना है, डिनोफ्ले ग्लेट्स, गोल्डन सेवाल, ग्रीन सेवाल या लाल सेवाल। ठीक है, आपको बताना है इन चारों में से क्या ऑप्शन होने वाला है, तो इसका आंसर होने वाला है डिनोफ्ले ग्लेट्स। क्या है, डिनोफ्ले ग्लेट्स। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। निम्नलिखित में से कौन सा कम तरंग दैर्ध्य है, कौन सा कम तरंग दैर्ध्य बताना है, एक्सरे, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट किरण या रेडियो तरंग है। ठीक है, आपका आंसर बताइएगा क्या होने वाला है, आंसर एक्सरे क्या है, इनमें से सबसे कम तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है, किससे मापा जाता है, पायरोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, अल्प मीटर से, फ्लेक्सोमीटर से। ठीक है, इन चारों में से किससे मापा जाता है, मापा जाता है फ्लेक्सोमीटर से, किससे, फ्लेक्सोमीटर से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है ईएलपी में, पीएच मान से पूछे जा चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। देखिए, मानक रक्त का पीएच मान है, अगर आपसे यहाँ पर अगर ये पूछ लिया आपसे कि मानव की किसी भी सेल का पीएच मान क्या है, तो किसी भी सबसे छोटी कोशिका का पीएच मान क्या है, तो 7.4 होता है। ठीक है, और पहली बात ये बता दूं मैं आपको, अगर पीएच मान से कोई भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन है तो वीडियो में जो आप वीडियो इसके वीडियो के बाद आप चैनल पर जाइएगा, जाकर वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलेंगी, वीडियो देखिएगा, पीएच मान की वीडियो है पूरी, टोटल एनालिसिस है पूरा का पूरा जो बताया हुआ है, पूरे सारे के सारे जो मनुष्य से रिलेटेड सारे पीएच मान वहां से आपको मैंने करवाया। ठीक है, तो इसका मान उसका इसका मान होगा 7.4। ठीक है, नेक्स्ट है, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। देखिए, शुष्क सेल
विद्युत ऊर्जा नहीं होती, ताप नहीं होता, यांत्रिक और रासायनिक ये बचते हैं हमारे पास, तो ये होती है रासायनिक ऊर्जा। तो देखिए सेल में होता क्या है, विद्युत सेल में होता है, शुष्क सेल में होता क्या है, ये तो ग्रेफाइट होती है और एक चूर्ण होता है, तो ये रासायनिक क्रिया करते हैं, तो रासायनिक क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट है वह अंग जो मानव शरीर के पित्त पित्त उत्पादन करता है, ठीक है, पित्ताशय, यकृत, गुर्दा या छोटी आंत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सरल सा क्वेश्चन है, आप आई थिंक आपको आता होगा, तो इसका आंसर है यकृत, यकृत इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, कहाँ होता है, वायु में, जल में, निर्वात में या ठोस में। मैं बता दूं आपको ध्वनि के लिए सबसे पहली बात तो आपको माध्यम की जरूरत होती है, तो निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता, ठीक है, तो पहली बात निर्वात नहीं होगा, ठीक है। वायु, वायु में अगर देखिए वायु में एयर का एक मीडियम रहता है, ठीक है, तो ये कम हो सकता है, जल में भी बहुत कम रहता है, ठोस में मीडियम क्या रहेगा, ठोस रहेगा, तो इसका आंसर जो रहेगा ठोस, और ठोस में सबसे ज़्यादा ध्वनि की तीव्रता होती है। ध्वनि के होने से क्या होता है, ध्वनि के होने से वाइब्रेशन होता है, पहले बात तो वाइब्रेशन से ध्वनि होती है, और ध्वनि से क्या होता है, ऊष्मा निकलती है। अगर ये पूछ लिया जाए तो आपका आंसर वहाँ पर, कभी कभी फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो घुमाने वाले होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, पिट या बिटुमिनस, ठीक है, आपका आंसर क्या होने वाला है मुझे बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीन चार बार फ्रेम कर चुका हूँ, तो आई थिंक अब तक तो आपको रट गया होगा। तो देखिए एंथ्रेसाइट इसका आंसर है, क्या है, एंथ्रेसाइट, ठीक है। नेक्स्ट है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला परिवर्तन कहलाता है, रमण प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, कंपटन क्रम्पटन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो इसका आंसर होने वाला है डॉपलर प्रभाव, क्या है, डॉपलर प्रभाव इसका आंसर है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, तांबे की गेंद को गर्म करने इसका घनत्व क्या होता है, ठीक है, तांबे की गेंद को अगर हम गर्म करें तो इसका घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, या पहले पड़ता है या फिर घटता है। देखिए आपको चार ऑप्शन है, बताइए क्या आंसर है, इसका आंसर होगा घटता है, क्या होगा, घनत्व घटेगा, अगर किसी भी तांबे की गेंद को आप गर्म करते हैं तो इसका घनत्व घटेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है, बुध, मंगल, शुक्र, वरुण, तो इसका आंसर है शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है सौरमंडल का अभी तक का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन्फ्लुएंजा ए H1N1, ठीक है, जिसे पहले स्वाइन फ्लू के नाम से जाना जाता था, ठीक है, पहले पता कहाँ लगाया गया, इसका पहले पता सबसे पहले कहाँ लगाया गया ये हमें बताना है, थाईलैंड, कोस्टरिका, हांगकांग या मैक्सिको, तो इसका आंसर होने वाला है मैक्सिको, मैक्सिको में सबसे पहले पता लगाया गया H1N1 नाम के स्वाइन फ्लू जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, कहां पर, मैक्सिको में। नेक्स्ट है वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण उपस्थित होते हैं क्या कहलाता है, परमाणु, यौगिक, अणु या मिश्रण, ऐसा छोटा से छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण उपस्थित हों क्या कहलाता है, परमाणु, यौगिक, अणु या मिश्रण, तो इसका आंसर है परमाणु, ऐसा तत्व होता है जिसमें छोटा से छोटे अणु कण में भी उसकी तत्व की सभी गुण प्राप्त होते हैं या होते हैं। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने, मेंडल ने या रॉबर्ट गॉस ने, तो यहाँ पर आंसर होने वाला रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले नाम दिया कोशिका, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया था, एसी में, डीसी में या एसी प्लस डीसी, जो करंट होता है अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट दोनों में, देखते हैं इसमें हो आंसर होगा ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है अल्टरनेट करंट में, ठीक है। ओके नेक्स्ट है परम दाब क्या होता है, गेज दाब, 1+1, -1, 0 या +2, परम दाब हमें बताना है, इसका आंसर होने वाला है परम दाब होता है +1 गेज, ठीक है, 1 गेज बार, ठीक है। ओके
देखिए आज के क्वेश्चन कुछ कम थे, 50 क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन फिर भी इतने भी क्वेश्चन थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आपसे मैंने कहा था 1 से 2 के बीच में वीडियो आएगी, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवाई। थोड़े कम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, इन क्वेश्चन को लगाइए। जितने भी क्वेश्चन आपने सही करे कमेंट कीजिएगा, कोई भी इंप्रूवमेंट है, कोई भी एडिशन करना है, कोई भी सजेशन देना है तो कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिससे क्या होगा शेयर करेंगे तो उन्हें और आपको दोनों को आपके स्कोर्स और आपके जीके की और जीएस की नॉलेज पता चलेगी। और इस वीडियो को देखने के लिए, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है और देख रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिएगा, जिससे क्या होगा सारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जब भी मैं डालूंगा आपको मिल जाएंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।